स्पेस स्टेशन पर कौन सा खतरा मंडरा गया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है मार्टिन वुल्फ ने, और इन्होंने कहा है कि भारत 2047 तक सुपर पावर तो बन जाएगा, लेकिन भारत के लिए एक चीज को पाना कठिन है, तब तक जब तक कि भारत चीन जैसा नहीं बन जाए। जानेंगे उन्होंने ऐसी बात क्यों कही है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले सप्ताह रूसी उपग्रह में विस्फोट के बाद चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग को सुरक्षित करने में जुट गया है। रूसी सैटेलाइट के विस्फोट के बाद चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को अतिरिक्त सुरक्षा कवच देने के लिए शेंझोउ 18 के दो अंतरिक्ष यात्रियों ने बुधवार रात को स्पेस वॉक। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीनी एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के अधिकारी के हवाले से जानकारी दी। अधिकारी ने चीन के सरकारी टेलीविजन CCTV को बताया कि स्पेस वॉक के दौरान मुख्य रूप से अंतरिक्ष स्टेशन के बाहरी केबल और पाइपलाइनों पर सुरक्षात्मक उपकरण लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे अंतरिक्ष मलबे के संभावित टकराव से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम किया जा सकेगा और स्पेस स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके पहले अमेरिकी स्पेस कमांड ने बताया था कि पृथ्वी का अवलोकन करने वाला एक रूसी उपग्रह 26 जून को कक्षा में विस्फोटित हो गया था। इसके 100 से ज्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए थे, जिनसे अंतरिक्ष यात्रियों और उसके दूसरे उपग्रहों के लिए खतरा पैदा हो गया। विस्फोट के तुरंत बाद नासा के मिशन कंट्रोल ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद 6 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को मलबे के खतरे को कम करने के लिए सुरक्षित शेल्टर देने की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया। बुधवार को चीन ने भी अपने अंतरिक्ष स्टेशन को मलबे से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को पूरा किया। हांगकांग के स्थानीय समय अनुसार रात 11 बजे से ठीक पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री ली कॉन्ग स्पेस वॉक करते हुए स्पेस स्टेशन के बाहर पहुंचे। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री ये गुआंगफू ने ली को आवश्यक उपकरण और डिवाइस सौंपे। इसके बाद गुआंगफू ने भी स्टेशन के बाहरी हिस्से के कार्य स्थल पर पहुंचे और सुरक्षा उपकरण स्थापित करने में ली की मदद ली। उपकरण स्थापित करने के बाद ली कांग रोबोटिक हाथ की मदद से निरीक्षण बिंदु पर पहुंचे। वैसे आपको बता दूं, स्पेस पर हर कोई डरा हुआ है। स्पेस पे जिस तरीके से रूस ने किया है उसके बाद एक हलचल सी तो मची हुई ही है। रसिया के सैटेलाइट विस्फोट के बाद अभी तक ये चीज निकल कर सामने नहीं आई है कि ये विस्फोट क्या ये खुद से हुआ था या फिर रूस ने मिसाइलों के जरिए किया था। वैसे आपको बता दूं, दुनिया इस डर में जी रही है कि कहीं आउटर स्पेस का इस्तेमाल न हो हथियारों के लिए, पर यहाँ पर जब UN में ये बात गई तो रूस ने इसे वीटो कर दिया और रूस ने वीटो करके सबकी टेंशन वैसे ही बढ़ा दी है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय PM मोदी की तीसरी वापसी हो गई है और इस वापसी के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या भारत के PM का जो सपना है क्या वो सपना पूरा हो पाएगा। आपको बता दूं, भारत में एक चीज तो है और वो चीज ये है कि भारत बहुत तेजी से अपने आप को बढ़ा रहा है। अगर नहीं बढ़ाता तो 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की नौबत नहीं आती। जेफरीज की एक रिपोर्ट को देखेंगे कि भारत की जो वेडिंग इकोनॉमी होती है ना, वो $130 बिलियन इसका साइज है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में कितना ज्यादा खर्च होता है। कहा जाता है कि भारत में 12 लाख रुपए लगभग मिडिल क्लास में खर्च हो जाते हैं। $15,000 का एक वेडिंग कॉस्ट पड़ता है अगर एवरेज निकाला जाए तो मिडिल क्लास में। इस तरीके से भारत की इकोनॉमी अलग अलग तरीके से बटी हुई है। पर बात करें पर कैपिटा इनकम की तो भारत की पर कैपिटा इनकम वैसी नहीं है। 10 दुनिया के सबसे बड़े पर कैपिटा इनकम वाले देश की बात करें तो स्क्रीन पर एक लिस्ट देख सकते हैं। लग्जमबर्ग, मकाऊ, आयरलैंड, सिंगापुर, कतर, UAE, स्विट्जरलैंड, सैन मेरिनो, यूनाइटेड स्टेट, नॉर्वे। लग्जमबर्ग है टॉप में 1,43,740 पर कैपिटा इनकम। मकाऊ है 1,34,000, आयरलैंड है 1,33,000, सिंगापुर है 1,33,000, कतर है 1,12,000, UAE है $96,000। तो हर पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सबसे ज्यादा आय इन देशों में है। अब आपके मन में ख्याल आएगा सबसे कम किन
इनका है तो सबसे कम है साउथ सूडान $455 पर कैपिटा, बुरुंडी $915 पर कैपिटा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 1000, DRC 1500, मोजाम्बिक 1500 और नाइजर 1500, मलावी 1.7, लाइबेरिया 1.88, मेडागास्कर 1.98, यमन 2000। भारत की बात करें, स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं जिस मैप में आपको पर कैपिटा इनकम भारत का भी दिख रहा है 2.73,000। यानी भारत की बात करें तो भारत अभी इन बड़े बड़े देशों के करीब नहीं आया है। भारत चाहता है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाए। और विकसित देश बनने का मतलब क्या होता है? विकसित देश बनने का मतलब होता है पर कैपिटा हाई इनकम वाला देश बन जाए। ये जैसे कि अभी हमने देखा रूस पे प्रतिबंध भी लगा हुआ था, लेकिन प्रतिबंध लगने के बावजूद रूस ने ये दिखलाया कि कैसे वो एक हाई इनकम वाला कंट्री बन चुका है। भारत की बात करें तो भारत पहले लोअर इनकम वाला था, अब लोअर मिडिल में भारत आ गया है। अब इसको लेकर मार्टिन वोल्फ, इन्होंने जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है और इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का जो गोल है ना 2047 तक भारत को एक हाई इनकम वाली कंट्री बनाना, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हाँ भारत एक सुपर पावर जरूर बन जाएगा। इन्होंने कहा, इन्होंने इस बात को भी बताया कि क्यों और क्या है रास्ते में इनकी कठिनाई। इन्होंने साफ कहा कि इनके रास्ते में इनके देश की घरेलू संस्थाएं, पॉलिसी और पॉलिटिक, ये तीन चीजें हैं जो भारत को रोकेंगी। बात बाकी जिस तरीके से ग्लोबल तरीके से बन रहा है वातावरण, ऐसे में भारत अगर तेजी से अपने आप को बनाता है, बिठाता है, तो फिर यहाँ पर भारत को इकोनॉमिक फायदा होगा और भारत अपर मिडिल इनकम वाला देश में आ सकता है। अगर भारत को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है तो चाइना की तरह अपनी पॉलिसियों को बदलना होगा ताकि घरेलू प्रभाव बिजनेस पर न पड़े, और दूसरी तरफ भारत को दुनिया के ऊपर भी काम करने की जरूरत होगी जो दुनिया को उसके फेवर में लाकर खड़ा करे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।